नेक्स्ट फोकस्ड। फोकस्ड का मतलब क्या है? फोकस्ड का मतलब यह है कि आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, आप मन के होने चाहिए। मतलब जैसा आप चाहें वैसा आपका मन आपके अनुसार काम करे, न कि आप मन के अनुसार काम करें। मन के अनुसार आप काम करेंगे तो थोड़ी देर बाद लगेगा, अरे यार क्लास कितनी देर में छूटेगी, चलो यार क्लास छूट जाए तो फिर वहां जाऊंगा, फिर थोड़ी देर में ही फोन निकालूं, अरे क्या हाल है यार बता, बस आज कोचिंग से निकला था। फिर मतलब जिन चीजों का कोई संबंध नहीं उनमें एंट्री लेने चलेगा। जब मन आपका है तो आपके नौकर की भांति काम करेगा। उसके लिए छोटी छोटी चीजें अपनानी चाहिए। जैसे आज हमने कपड़े पहन लिए, एक बात तय कर लिया मेरे को ये वाले कपड़े पहनने हैं। बाद में कांच के सामने गया, मुझे लगा ये तो बहुत भद्दे लग रहे हैं, या किसी ने कहा घर में, अरे यार क्या पहन लिया, तो बेकार लग रहा है। अब कुछ भी कहो दुनिया, मैं यही पहनूंगा। कुछ दिन बाद आपके मन को ये समझ में आने लगेगा कि यार ये तय कर लेता है तो फिर अपने हिसाब से चलता है, इसलिए मुझे इसके अनुसार ही चलना है। करते ना, कभी किसी के गए, चाय भी है, जूस भी है, कॉफी भी है, अरे यार चाय पी लेते, नहीं नहीं यार कॉफी ठीक रहेगी, नहीं यार छोड़ चाय ले लेते, वो जूस ले लेते। वो व्यक्ति अनस्टेबल है, उसका कुछ नहीं होगा। ये अभ्यास आपको करना ही होगा फोकस होने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, 30 मिनट का टाइम आपको प्रतिदिन निकालना होगा, और उस 30 मिनट के टाइम में आप शांत बैठ के और मन को अपने कब्जे में लेने का एक तरीका है कि ये महात्मा बुद्ध की प्रणाली है जिसे विपस्सना के नाम से जानते हैं, उसको आपने आती जाती श्वासों को देखा, या आती जाती श्वासों को नहीं देखते तो आंखें बंद कर ली, अच्छा अब ये विचार आया, ये विचार आया, किसी भी विचार के साथ संलग्न नहीं हुए, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। तो ऐसे मेडिटेशन जैसे जैसे करते जाओगे, जितना ज़्यादा करते जाओगे, मन आपके बस में उतना ही होता जाएगा। फिर मन आपके पेन के जैसे आपके लिए काम करेगा, न कि आप मन के अनुसार भटकते रहेंगे। जो लोग कहते हैं ना यार मन बहुत भटकता है, कभी ये वो नहीं होगा। जब ऐसे करोगे तो एक अलग ही इंसान होगे, घर में भी लोगों को लगेगा यार डिफरेंट टाइप का हो गया है, आपकी बात में लोग वजन समझेंगे। आपने मना कर दिया, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, किसी ने कहा एक रोटी तो और चलेगी, बोले नहीं। जब आपकी आदत को ही समझ गए कि नहीं कर दिया तो नहीं, तो फिर वो आपको देने वाले ही समझ जाएंगे कि इसको बार बार इंसिस्ट नहीं करना है।